और आज की अपनी जर्नी रहने वाली है कुशलगढ़ से शाहपुरा की। कुशलगढ़ से शाहपुरा रूट पे शाहपुरा डिपो की अभी भी एक नई बस आई है। ये बस जो है देख लीजिए खाली जा रही है पूरी, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला पैसेंजर इस बस का मैं ही हूँ और पहला टिकट मैंने लिया है। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज जो ये RCRT सीरीज़ का एपिसोड 10 है और आज की अपनी जर्नी रहने वाली है कुशलगढ़ से शाहपुरा की। कुशलगढ़ से शाहपुरा रूट पे शाहपुरा डिपो की अभी भी एक नई बस आई है, तो मैं उसका कवर कर लेते हैं अपन लोग, क्योंकि क्या है ना ये रूट थोड़ा सा क्या है ना नया भी है और दूसरा थोड़े से पैसेंजर्स पर कम है अभी, तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि रूट कवर कर लेते हैं। आप लोगों ने बोला भी था वैसे है ना, और बस का टाइमिंग जो है यहाँ 7 बजे का है, बट अभी एक घंटे पहले ड्राइवर साहब का कंडक्टर साहब का फ़ोन आया कि 6:30 बजे गाड़ी निकलेगी, तो मैं तो यहाँ पे बस थोड़ा नाश्ता कर रहा था, तो मैं तो टाइम पे ही था। जो भी है आपको बताऊँगा पूरा इस वीडियो में, कैसा रूट है अपना, कैसे स्टाफ है गाड़ी के अंदर, कैसी बस रहने वाली है, बस जो यहाँ पे सामने खड़ी है। तो करते जर्नी को स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, ऐसी वीडियो मैं आता रहता हूँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। करते बन जर्नी को स्टार्ट। सबसे पहले बस देख लीजिए आप लोग, बस जो है शाहपुरा डिपो की है और अच्छी खासी बस लग रही है। ऐसी बस जो है मैंने पहले कवर भी कर रखी है, मेरे ख्याल से बाड़मेर वाली जो जर्नी थी मेरी उसमें दिखा रहे थे आपको। बस आगे से देख लीजिए BS6 की बैजिंग हो रखी है, RCRTC की बैजिंग हो रखी है और लोगो लगा हुआ है RCRTC का। आपको वॉकआउट दे देता हूँ पूरा गाड़ी का, सेम बैजिंग वगैरह हो रखी है। इमरजेंसी एग्जिट यहाँ, इमरजेंसी विंडो भी है देख लीजिए, बाकी वेबसाइट और ये सब आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और भाई फ्यूल टैंक पिंक लाइन और ये बैजिंग वगैरह हो रखी है, इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर भी है। पीछे से देख लीजिए शाहपुरा डिपो की बैजिंग, इमरजेंसी एग्जिट है ही। और ये अभी देखिएगा कि तीसरी जगह से बनी हुई, तो अब टोटल इस सीरीज़ के ना 4 बॉडी बिल्डर की बसेस कवर हो चुकी है। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ आपको दिखाता है इंटीरियर, मैंने अपना बैग जो है डिक्की में रखवा दिया यहाँ पे, इंटीरियर दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए कंडक्टर साहब की सीट और ऐसा कुछ केबिन है, अशोक लेलैंड की बस है पूरी देख लीजिए ऐसा कुछ है केबिन। तो ये देख लीजिए ऐसा कुछ रहता है, स्लीपर मेरा स्लीपर ही है ये, 33 नंबर है मेरे ख्याल से है ना। देख लीजिए इनबिल्ट पिलो है और क्लीन है बिल्कुल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऊपर रीडिंग लाइट बाकी सुविधा है आपके लिए, चार्जिंग का पॉइंट वहाँ पर हो गया और ये फ़ैन और शू रैक वगैरह बना हुआ है आपके लिए, लाइट्स वगैरह लगी हुई है और वही पैनिक बटन वगैरह है वहाँ पर, और सेम यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, बॉटल होल्डर भी हो गया, शू रैक हो गया, वही चार्जिंग पॉइंट की सुविधा, रीडिंग लाइट और क्लीन स्लीपर, ब्रॉड भी मतलब कि बड़ा स्लीपर है ना। और वही सीट्स देख लीजिए आप लोग, चार्जिंग पॉइंट सीट्स अपने यहाँ पे मिलते हैं, ऊपर वही रीडिंग लाइट वगैरह की सुविधा है आपके लिए, जो कि चालू भी है देख लीजिए, 2 टाइप की रीडिंग लाइट है। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ बस स्टैंड है कुशलगढ़ का, मेनली जो प्राइवेट बसेस है यहाँ पे, RCRTC बहुत कम है, बाकी ये बस तो अपनी खड़ी हुई है और बस मैंने आपको दिखा दी है ना। बस का टाइमिंग जो है ऑनलाइन जो लिख रखा है वो लिख रखा है ऑलमोस्ट 7 बजे का, बट अभी कंडक्टर साहब ने बताया हमको कि 6:30 बजे टाइमिंग है इसका, और फ़ोन भी इसलिए कर रहा था, और बाकी ऑनलाइन भी है इसको बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। देखिए बिल्कुल फिक्स टाइम पर निकल चुके हैं अपन लोग कुशलगढ़ में, तो जी निकल चुके हैं अपन लोग कुशलगढ़ से। कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और अभी यहाँ से गाड़ी जो है नेक्स्ट बांसवाड़े जाएगी, पर कैबिनेट आपको ज़्यादा दिखाऊँ, क्योंकि क्या है ना रोड्स जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से अपने को क्या है ना 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर कवर करने में अपने को जो है ऑलमोस्ट ये मानिए कुछ 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो हाँ थोड़ी सी क्या रोड 2 लेन एक तो और उबड़ खाबड़ भी है ना। बाकी बस वगैरह अच्छी खासी बनी हुई है देख लीजिए, ऐसा कुछ है, ये मेरा स्लीपर है, बैग वगैरह रखा हुआ है और ये ऐसा कुछ है, रीडिंग लाइट यहाँ पे ऊपर लगी हुई है, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा कुछ है ना, रीडिंग लाइट में देख लीजिए ऐसा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये सब सुविधा है आपके लिए। बाकी चार्जिंग पॉइंट अपने को यहाँ पर पहला पीछे मिला हुआ है सॉरी है, USB वाला चार्जिंग पॉइंट रहते हैं, तो ऐसा कुछ है। अपना रूट बता देता हूँ आपको आज का, अपना रूट आज रहेगा कुशलगढ़ से शाहपुरा, ठीक है।
वाया अपन होके जाएंगे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और फिर चित्तौड़गढ़, और फिर भिलवाड़ा, और फिर भिलवाड़ा से जो रूट है ना वो नॉर्मल नहीं है, फिर वहाँ से अपन वाया अजमेर होने के बजाय वाया शाहपुरा फिर टोंक होके जाते हैं। शाहपुरा ये वाला अलग है, राजस्थान दो शाहपुरा है, एक जयपुर के पास में पड़ता है और एक भिलवाड़ा के पास में पड़ता है ना। तो वहाँ से भिलवाड़ा से अपन जाएंगे शाहपुरा, फिर टोंक, और फिर जयपुर पहुँचेंगे सुबह सुबह लगभग 8 बजे, फिर जयपुर से अपन जाएंगे शाहपुरा, है ना। बस अच्छी खासी है, और स्लीपर्स जो है ना वो पूरे पूरे पैक हैं अभी, और जो सीट्स हैं उनमें जो है ना लोकल पैसेंजर मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, स्लीपर्स में जो है ऑलमोस्ट मतलब जयपुर के पैसेंजर ही हैं। जो भी है कैबिनेट दिखाता हूँ आपको मैं, और बात करता हूँ आपसे और मैं बांसवाड़ा जाके। और जी अभी हो रहे हैं लगभग 8:30, और हम लोग आ चुके हैं अभी बांसवाड़ा में। और जो ड्राइवर साहब ने या कंडक्टर साहब ने अपने को आधा घंटा पहले बुलाया था वो मुझे अब कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि क्या होता है ना अगर अपन 7 बजे निकलते तो फिक्स 9 बजे पहुँचते, और फिर 9 बजे गाड़ी का निकलने का टाइम है, और अभी जो गाड़ी है ना सीट जो है ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, तो इस वजह से क्या है ना अभी आधे घंटे गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी ना, थोड़े से पैसेंजर क्या है ना जयपुर के लिए या कहीं के लिए बोर्ड कर लेंगे, अगर गाड़ी आते ही निकल जाएगी तो फिर गाड़ी मतलब खाली जाएगी, फिर वो नुकसान रहेगा, है ना। तो ये चीज़ सही करी, मैं तो भाई यही चाहूँगा कि गाड़ी का जो टाइम है अपडेट हो जाए, जिससे क्या है ना फिर कन्वीनियंस रहेगी। ये तो क्या है ना मैं तो भाई आधा घंटे टाइम लेके चलता हूँ, पर अगर समझ लीजिए कोई टाइम लेके नहीं चल रहा तो फिर वो क्या लेट हो जाएगा, गाड़ी को लेट करेगा, तो ये बात है। बाकी फेयर जो बताऊँगा मैं आपको आगे चल के, और कोशिश करूँगा आपको भिलवाड़ा तक की जर्नी दिखाने का, फिर भिलवाड़ा से आगे जो है ना शाहपुरा अपन जाएंगे तो वो भी दिखा दूँगा, बट थोड़ा सा रात को रेस्ट भी करना रहेगा, क्योंकि मुझे क्या है ना कल दूसरी जर्नी कवर करनी है। और बाकी वैसे बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा पड़ता है साउथ में राजस्थान के, और काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे जो है बहुत सारे डैम्स और हिल स्टेशन टाइप मतलब फेमस है, तो कभी आप लोग चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, अगर आप लोग उदयपुर जोधपुर और जयपुर जैसलमेर घूम के बोर हो गए हो तो इस साइड भी आ सकते हैं, अच्छी जगह है ये, और भाई पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए क्योंकि ज़्यादा फेमस नहीं है अभी। बाकी ये पड़ता है मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पर, यानी कि दोनों से ये जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी जगह है, और अहमदाबाद और इंदौर दोनों साइड से जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल पड़ता है, तो मतलब मेजर सिटीज़ है उनसे। जो भी है अभी कंटिन्यू करें जर्नी को अपन, और मैं आपको फेयर वगैरह बताऊंगा आगे चल के, और बात करूंगा आपसे, देखते रहिए आप लोग। और जी अभी हो रहे हैं लगभग रात के 10:50, और हम लोग आ चुके हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से गाड़ी का निकलने का टाइम है 11 बजे का, और प्रतापगढ़ में जो है गाड़ी मतलब RSRTC के बस स्टैंड पे नहीं आती, क्योंकि वो जो है 3 किलोमीटर मतलब उल्टा पड़ता है, ये जो है यहाँ पे निगम का जो बस स्टैंड है वहाँ पे गाड़ी मतलब बोर्डिंग या डीबोर्डिंग करती है, तो आप लोग भी कभी अगर प्रतापगढ़ से आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा RSRTC का जो बस स्टैंड है वहाँ पे गाड़ी ये वाली नहीं जाती है। बाकी बुकिंग के लिए आपको खिड़की मिल जाएगी, जिस पर आपको आरक्षण या पूछताछ वगैरह करनी हो तो उसके लिए खिड़की बनी हुई यहाँ पे। बस ये बस स्टैंड जो है RSRTC का नहीं है, ये नगर पालिका का बस स्टैंड है, देख लीजिए यहाँ पे जो है सारी बसेस खड़ी रहती है, अभी तो रात के समय कोई बसेस नहीं है, पर नॉर्मली बसेस यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो जी आ चुका है अपना एक 15-20 मिनट का हॉल्ट, और अपन लोग आके रुके हैं छोटी सादरी के पास में, ये निम्बाई अड्डा से पहले पड़ता है, और देख लीजिए होटल का नाम लिखा हुआ है श्री कृष्णा होटल, और ये देख लीजिए यहाँ पर और गाड़ियाँ भी रुकी हुई है, ये भरत है और एक वहाँ पे गोयल वाली रुकी हुई है, दोनों ठीक ठाक ऑपरेटर है, मतलब ये तो बिल्कुल बेकार है पर वो थोड़ा ठीक ठाक है ना, क्योंकि क्या है ना सब पुरानी गाड़ियाँ बेचते हैं यहाँ पे, और वो भाई गैलरी भरा हुआ काम है इनका, तो हाँ बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। और कुशलगढ़ से जो है आपको एक महालक्ष्मी गाड़ी मिलती तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, हालाँकि गाड़ी तो वो भी पुरानी है पर सर्विसेज थोड़ी सी ठीक ठाक है ना। वही खाना पीना करूँगा अभी, देखते हैं होटल पर हम लोग क्या मिलता है, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, खाना पीना करता हूँ और फिर बताता हूँ आपको फेयर, देखते रहिए आप लोग।
देख लीजिए, फैमिली वगैरह बैठने के लिए आराम से बना रखा डाइनिंग, और बाकी अपने स्टाफ के साथ अपन खाना पीना कर रहे हैं। खाना पीना करता हूँ फिर बताता हूँ कैसा रेस्टोरेंट है, देखते रहिए आप लोग। तो जी, हो गया अपना खाना पीना। मैंने जो एक दाल ली थी और साथ में एक रोटी ली थी, और खाना जो अच्छा खासा बना हुआ है और अच्छा खाना है यहाँ पे, और स्टाफ के साथ खाना खा लिया था मैंने। बाकी वॉशरूम्स है वो भी अच्छे बने हुए हैं, वहाँ पे बने हुए हैं वॉशरूम और अच्छे बने हुए हैं, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए दोनों के लिए बने हुए हैं, है ना। बात करें अपने फेयर की, तो फेयर जो है ना, सीट्स का बता रहा हूँ आपको, सीट्स का फेयर रहता है ऑलमोस्ट 700 रुपये या 710 रुपये ऑलमोस्ट मान लीजिए आप लोग जेंट्स का, और लेडीज़ का रहता है लगभग 350 रुपये या 360 रुपये मान लीजिए आप लोग। बाकी 50-50 रुपये ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा स्लीपर, है ना। बट स्लीपर जो है आपको थोड़ा पहले बुक करना पड़ेगा, क्योंकि स्लीपर जो है फुल हो जाते हैं। तो ये बात है। बाकी बस अच्छी खासी बनी हुई आपके लिए, देख लीजिए पीछे बस रेडी है निकलने को, है ना। बस कांच वगैरह साफ़ करें थोड़ा। और होटल जैसे बता दिया मैंने आपको अच्छा है भाई, इस रूट पे तो आपको और अच्छे होटल मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं थोड़ा सा ये रूट थोड़ा मतलब टू लेन ही है एक तो, और थोड़ा कमी मतलब बस चलती है इस रूट पे, तो इसलिए देख लीजिए मतलब ट्रक और बसेस का कॉमन मतलब बना हुआ है रेस्टोरेंट ऐसा रहता है। जो भी है, कंटिन्यू करें जर्नी को अपन, और मैं आपसे मिलता हूँ अभी चित्तौड़ में, और फिर भिलवाड़ा में जो है अपने को अभी अपनी सामने वाली गाड़ी मिलेगी, देखते रहिए आप लोग। तो जी, अभी हो रहे हैं लगभग रात के 1:30, और हम लोग आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ में। ये देख लीजिए, ये जो है सामने डिलक्स डिपो वाली गाड़ी है, बांसवाड़ा जा रही जो, और जयपुर से आ रही है, और अपनी गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी हुई है, देख लीजिए JCC, और पीछे अपनी दूसरी वाली गाड़ी है जिसका बॉडी बिल्डर का नाम याद नहीं आ रहा, ये देख लीजिए ये जा रही है। इसकी वीडियो जो है नेक्स्ट वाली आएगी, जो लास्ट एपिसोड होगा एपिसोड 11, तो वो भी आप लोग देखिएगा। बाकी अपनी गाड़ी तो है ही यहाँ पे। बस जो है निम्बाडा और ये सब जगह जो है सब ऑलमोस्ट बाईपास ही करती, कोई बस स्टैंड वगैरह पे नहीं जाती। बाकी देख लीजिए, वो डिलक्स डिपो वाली गाड़ी तो गई, और ये आ चुकी है बीकानेर डिपो की, बीकानेर से बांसवाड़ा वाली गाड़ी। ये जो है बीकानेर से निकली हुई दिन में, और अब जाएगी बांसवाड़ा के लिए। तो बांसवाड़ा के लिए आपको चित्तौड़ से या फिर भिलवाड़ा से मतलब ये मानिए बिल्कुल आधे घंटे गैप के अंदर दो गाड़ियाँ मिल जाएगी स्लीपर वाली, तो ये चीज़ भी अच्छी है। तो जी, अभी हो रहे हैं लगभग रात के 3:15, और हम लोग आ चुके हैं भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा जो है मेरा होम टाउन है, और देख लीजिए बस स्टैंड ऐसा कुछ है भाई, मेरे लिए तो कॉमन है बहुत ज़्यादा, पर आप लोग देख लीजिए ऐसा कुछ है, बसेस खड़ी हुई सारी यहाँ पे भिलवाड़ा डिपो की, और ये सरदार शहर डिपो की भी दो गाड़ी रहती है जो आती है सरदार शहर से, और बाकी भिलवाड़ा के अंदर जो है दोनों गाड़ियों का देख लीजिए क्रॉस होता है। ये सामने वाली गाड़ी हो गई, और ये अपनी गाड़ी तो है ही, है ना, और गाड़ी ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, बस उसके वहाँ पे आगे जो है शाहपुरा डिपो की अलग से बैजिंग हो रखी है। यहाँ पे भिलवाड़ा में जो है काफ़ी सारी गाड़ियों का मतलब क्रॉस होता है, बीकानेर बांसवाड़ा वाली का भी क्रॉस होता है, जयपुर बांसवाड़ा वाली का भी क्रॉस होता है, तो ऐसा रहता है। अहमदाबाद जयपुर का भी क्रॉस होता है, और अपनी गाड़ी का तो होता ही है, तो ये रहता है। बाकी भाई साहब, आप में से बहुत सारे लोग भिलवाड़ा से भी देखते हैं, तो आप लोग का थैंक यू भाई, आप लोग मतलब मेरे होम टाउन से देखते हैं, और कभी हुआ तो मिलेंगे अपन लोग बिल्कुल, अगर कभी हुआ भाई मार्केट वगैरह में मिल जाए क्या पता, तो हाँ ऐसा भी हो सकता है। बाकी एक भाई जो है कमेंट करते हैं भिलवाड़ा से खाटू श्याम जी की जर्नी का करेंगे, वो भी बहुत जल्द अपन अगर जैसे टाइम मिलेगा, बस थोड़ा सा क्या होता है ना स्लीपर गाड़ी से और इन सब से थोड़ा सा टाइम मिले
तो फिर करेंगे एक्सप्रेस गाड़ा भी कवर, बाकी ये कंटिन्यू करें जर्नी को अपन। और मैं सोच रहा हूँ कि शाहपुरा के बाद सोऊंगा, देखते रहिए आप लोग। तो ये देखिए अभी दोनों गाड़ी तो एक साथ आ रही है, ये सामने वाली गाड़ी निकल रही पहले और फिर अपनी गाड़ी पीछे पीछे आ रही है। टाइम अभी हो रहा है लगभग सुबह के 4:15, और अपन लोग जो है निकल चुके हैं भिलवाड़ा से। और मैंने आपको दोनों गाड़ियाँ दिखा दी थी, दोनों गाड़ी साथ में यहाँ पे निकलती है, ठीक है। और पहले मेरा प्लान था कि मैं शाहपुरा तक आपको दिखाऊंगा और फिर सोऊंगा, बट अभी कंडक्टर साहब बता रहे हैं कि शाहपुरा में बस जो है बस स्टैंड पर नहीं जाती, और दूसरा पैसेंजर भी कोई नहीं ड्रॉप करने के लिए, तो बस जो है बिना रुके जाएगी और डायरेक्ट रुकेगी अब देवली में। इसमें जहाजपुर भी आता है, बट जहाजपुर भी मतलब ऐसा कुछ मेजर मतलब पैसेंजर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट देवली के पैसेंजर्स ही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपको डायरेक्ट देवली में मिलूँगा, क्योंकि है ना मैं कल की जर्नी भी करनी है, तो इसमें थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ 2-3 घंटा, ताकि कल की जो मेरी नेक्स्ट मतलब एपिसोड 11 की जर्नी है वो भी अच्छी हो जाएगी, है ना। जो भी है सोता हूँ अभी मैं और आप लोगों से मिलता हूँ देवली में। गुड नाइट। और जी अभी हो रहे हैं लगभग सुबह के 6:10 और अपन लोग आ चुके हैं देवली में। देवली में जो है बस स्टैंड पे गाड़ी आती है, और देख लीजिए पीछे जो भिलवाड़ा डिपो की दो गाड़ी खड़ी हुई है। और कंटिन्यू करते जर्नी को अपन, और मैं आपसे मिलता हूँ टोंक में या फिर जयपुर में। आ चुके हैं अपन लोग जयपुर, और जयपुर में आने का टाइम लगभग अपना 9 बजे का है, तो अपन 9:30 लगभग आए, क्योंकि क्या है ना थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि रात को अपने को जहाजपुर के बाद जो है थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह कुछ मिला था, तो इस वजह से लेट हो गए। जो भी है अभी अपन आ चुके हैं और 15-20 मिनट आप खड़े जाएंगे, क्योंकि सवारी थोड़ी मिलेगी अपने को। बाकी देख लीजिए यहाँ पे ये आगे कोटा वाली गाड़ी जो अभी अपने डिपो में जा रही है वापस, जो अपने साथ मिली थी ना, मेरे ख्याल से वही है ना। बाकी शाहपुरा के लिए भी आप ये बस देख सकते हैं अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो। हालांकि पैसेंजर अभी शाहपुरा के लिए इसमें कम ही है, कुशलगढ़ से शाहपुरा के लिए तो बहुत ज़्यादा कम है, मोस्टली जयपुर के लिए थे। बाकी जर्नी अच्छी रही भाई साहब, और नींद वगैरह अच्छी आई मेरे को इस गाड़ी में, स्लीपर वगैरह अच्छे खासे बने हुए हैं, और स्टाफ भी अच्छा है गाड़ी के अंदर। जो स्टाफ है वो उस साइड से मतलब टोंक साइड से आ रहे थे अपन लोग, तो जहाँ जिसको यहाँ पर उतरना है उतार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जैसे प्रताप नगर, इंडिया गेट, दुर्गापुरा जहाँ पर उतरना है आप उतर सकते हो। बट एक दिक्कत है कि वाया मतलब देवली टोंक वगैरह आने में तो टाइम लगता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो टाइम लगता है, और मतलब वाया अजमेर के कंपेयर में। तो हाँ, हो सकता है फ्यूचर में इस बस को उस साइड कर दें वाया अजमेर, क्योंकि पैसेंजर भी इस साइड से कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो भी है अगर आप लोग ट्रैवल करें इस बस में तो आप लोग ना एक बार कमेंट कर देना मुझे कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कब जब भी आपको ट्रैवल करना हो तो मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा तभी कि रूट इसका वाया अजमेर है या वाया टोंक है, जिससे कहना कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
तो देख लीजिए भाई साहब, पूरी बस जो है अब खाली है और जयपुर से जो है एक भी पैसेंजर नहीं मिला, तो खाली मैं ही एक पैसेंजर हूँ इस बस के अंदर, जो कि मैं तो आगे कुशलगढ़ से आ रहा हूँ। तो देख लीजिए भाई साहब ये सीन है, अभी यहाँ पे तो अपन जा जाए पूरे बट जोक्स अपार्ट, ये बस जो है देख लीजिए खाली जा रही है पूरी, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉस क्रिएट कर रही है इस वजह से। तो अगर आप लोग में से भी कोई इस रूट पर ट्रैवल करता है तो एक बार ये बस को प्रेफर करें, थोड़ा सा क्या है ना सपोर्ट मिलेगा RSRTC को। बाकी भाई साहब एक चीज़ और है कि ये बस का कुशलगढ़ से लेकर शाहपुरा तक का पहला पैसेंजर इस बस का मैं ही हूँ और पहला टिकट मैंने लिया है, तो भाई साहब ये चीज़ भी अच्छी है मेरे लिए। तो हाँ ये भी है, अभी तक इस बस को तो पैसेंजर है ना सारे या तो जयपुर वाले मिले, या मतलब ऐसे पूरा पैसेंजर अभी तक इसको एक भी नहीं मिला, पर मैं हूँ। देख लीजिए अब 2 महीने हो गए इस बस को चले हुए, तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ और देखिए आप लोग, जो लेग स्पेस है ना सीट्स के अंदर बहुत मैसिव है भाई साहब, मज़ेदार चीज़ है। मैं अभी इतनी सीट पर बैठा था मैं, क्योंकि क्या है ना इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट के लिए अलग से मतलब जगह नहीं छोड़ रखी, देख लीजिए इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से क्या है ना सीट्स को मतलब पूरा स्पेस मिला हुआ है। तो हाँ ये चीज़ भी है। बाकी अभी शाहपुरा आने वाला है लगभग 30-35 मिनट में, मिलता हूँ आपसे वहीं पे और बात करता हूँ आपसे, देखते रहिए आप लोग। तो जी आ चुके अपन लोग शाहपुरा। बाकी अभी जो है मैं यहाँ पे जो RSRTC का डीजल पंप जो है वहाँ पे आ चुका हूँ। मैं तो सोच रहा था कि बस स्टैंड पर उतर जाऊँ, पर दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे उतरूँगा फिर बस निकल जाएगी, थंबनेल नहीं ले पाऊँगा। तो मैं बोला इनको कि आप बस स्टैंड पर गाड़ी को लेके मत जाओ, डायरेक्ट आप लेके चलो जहाँ पे भी जा रहे हो आप लोग, और फिर बाद में मैं बस स्टैंड पर चले जाऊँ खुद ही, या फिर बस जाएगी तो बस के चले जाऊँगा। तो ये है, और बाकी भाई साहब देख लीजिए डीजल वगैरह भरते हैं यहाँ पे, ज़्यादा वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि क्या है ना मतलब RSRTC की प्रॉपर्टी भाई साहब अपने ऐसे पर्सनल नहीं है, किसी का प्राइवेट नहीं है, तो इस वजह से दिखा नहीं सकते। और भाई साहब जर्नी करके मज़ा आ गया, और भाई साहब ये सीरीज़ के अंदर भी आपको मज़ा आ ही रहा होगा, और अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग लाइक या शेयर कर दिया करें, जिससे क्या है तो सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए और सीरीज़ बना पाएंगे, है ना। और बाकी देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ सही थोड़ा सा, वहाँ पर जो है उस साइड जो है वो मतलब पंप बना हुआ है। बाकी देख लीजिए शाहपुरा डिपो की एक और गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, ये छोटी गाड़ी जो होती है ना 2x2 या 2x3 पता नहीं क्या है, बट मिनी बस है एक टाइप से, जो ग्रामीण वाली रहती है ना वो है। शाहपुरा डिपो में सारी गाड़ी ऐसे छोटी छोटी है। तो जी अपने आज के स्टाफ से मिल लीजिए आप लोग, असल ड्राइवर साहब से मिल लीजिए। जी ड्राइवर साहब आपका नाम बता दीजिए। बंसीधर जाट। अच्छा, और कब से हैं आप RSRTC में? इसमें 3 महीने से। अच्छा, और आपको नई वाली बस कैसी लगी? बढ़िया चल रही है। बढ़िया है, ड्राइविंग वगैरह में अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। चलिए ठीक है। बाकी अपने कंडक्टर साहब हैं जी, सर आपका नाम बता दीजिए। जी रामस्वरूप गुर्जर। अच्छा, मैं राजस्थान रोड 2013 से नियुक्त। 13 से हो, और अपना एक बता दीजिए मुझे वापसी का टाइमिंग क्या रहता है यहाँ से? यहाँ से वापसी का टाइम कुछ लग रही है, यहाँ से 5:45 डिपार्ट से 5:45, और लगभग मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे 10 बजे पहुँच जाते होंगे, या कितना कुशलगढ़ इतनी बजे पहुँच जाते नेक्स्ट डे? कुशलगढ़ 10:15। तो देख लीजिए ऐसे कुछ स्टाफ हैं, और बढ़िया स्टाफ से भाई साहब जर्नी बहुत अच्छी रही इनके साथ में। करते हैं वीडियो को एंड, मैं आपको जो शाहपुरा बस स्टैंड है उसके थोड़ा बहुत एक दो शॉट्स जो है आपको दिखा दूंगा, है ना, थंबनेल लूंगा यहाँ पे, और फिर मैं निकलूंगा ऐसे और जाऊंगा जयपुर, और अपनी अगली जर्नी करूंगा जो कि आएगी आपके लिए जयपुर से बांसवाड़ा वाली, है ना। करते वीडियो को एंड, आप लोग कैसे लगे वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए कि कौन से रूट पर कोई जर्नी चाहिए, क्या अच्छा लगा और क्या बेटर हो सकता है, और किस किस RSRTC के रूट्स पर जर्नी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ बना पाऊँ अगली बार, है ना। शेयर कीजिएगा मैं आपके लिए मैं और जर्नी ला सकूँ, और चैनल से जुड़ जाए उसके बटन दबाके। तो मिलते हैं अपन लोग किसी और नए वीडियो में किसी और नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।